हेलो हे देयर, 12th क्लास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स गेटिंग रेडी फॉर प्री बोर्ड एंड एनुअल एग्जाम्स। यस, वी हैव शेयर्ड विद यू वीडियोस ऑन क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, सिलेबस एंड चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टिल वी आर गेटिंग सो मैनी मैसेजेज इन आवर कमेंट बॉक्स। सर नहीं काम चल रहा, हमें एग्जैक्टली बताइए कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर से ही आइडिया होता है, तो चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं आपको। इस वीडियो में हम करेंगे बिजनेस स्टडी का, कॉमर्स के बच्चों के लिए। हम पहले भी आपको अकाउंटेंसी का दे चुके हैं, इकोनॉमिक्स का दे चुके हैं, और बिजनेस स्टडीज़ का आज आपके लिए लाए हैं। देखिए, 3 आवर्स विल बी गिवन टू यू, 80 मार्क्स का ये होगा 12th क्लास। ठीक है, ओपन अकेडमिक्स दोनों के लिए होगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। एंड क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देख लें, ये 2 लाइनों को जरूर समझें हर विषय में, कि इसमें आपको पता लगता है कि 8-8 नंबर वाले 3 आ रहे हैं। ठीक है, 4-4 नंबर वाले 6 क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले 8 और 1-1 नंबर वाले 16। इस तरह से टोटल 33 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 80 मार्क्स एंड विच आर टू बी आंसर्ड इन 3 आवर्स। ठीक है, और ये हैं आपकी, देखिए सिलेबस पर, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर पूछते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर आप हमें ये क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेटेज है, तो ये भी आपको दे रहा हूँ। सिलेबस पर भी आ जाइए, एक बार सिलेबस भी घुमा देता हूँ आपके लिए। पहले 6 महीने का ये सिलेबस था, किया कि नहीं किया? उसके बाद अगले 6 महीने आपने ये किया कि नहीं किया? कर लिया, तो चलो आप पेपर दो। ये पेपर है आपका, टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 33 आ रहे हैं, 8 पेज होंगे। ठीक है, कोड नंबर जो ये है ना, ये आपने लिख देना है। कहाँ पर लिख देना है? ये शीट मिलेगी आपको, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है और इन सर्कल्स को डार्क कर देना है, रोल नंबर के डिजिट के सीध में। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, मान लो आप अमनदीप सिंह हो तो दोनों के बीच में एक स्पेस डालना है। नहीं आता ना उमर शीट भरना भी, क्योंकि कभी भरा नहीं है। 10वीं में भी आपका बोर्ड जो नहीं था, कोविड के कारण पेपर नहीं हुआ, तो आप ये जो देखिए, आप यूट्यूब के सर्च बार पर ओएमआर शीट हरियाणा बोर्ड क्लास 10-12 बाय विजय कुमार, तो आप देखिए, आप ये आपका ट्यूटोरियल बनाए आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जब आप आंसर लिखना है, मान लो ये आपकी आंसर शीट है, तो यहाँ पर एक लाइन डालना, मार्जिन नहीं डालते बच्चे, मुझे पता नहीं लगता। ये देखो, ये गलत कर रखा है एक बच्चे ने। ठीक है, आपको दिखाया मैंने खुद लाल पेन से लाइनें मारी कि ठीक है ना, ऐसे ये नहीं करते हैं बच्चे। एक्स्ट्रा शीट कोई नहीं मिलेगी, खाली पन्ना कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है, और अपना रोल नंबर वहाँ लिख ही देना। अब बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या होगा, कि है ना, 1 से 3 जो हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 8-8 नंबर वाले, 4 से 9 जो होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हैं 10 से 17 2-2 नंबर वाले और 18 से 27 जो हैं 1-1 नंबर वाले, इस तरह से होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर है, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा है, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, जो भी रखते हैं आप, मैथमेटिक्स, ठीक है, सारे रेडी हैं आपके लिए। ये लो, अकाउंटेंसी भी बना दिया है आपके लिए, तो ये आप देख पा रहे हैं। इस तरह से मैं चला रहा हूँ, ये स्लो चला रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इनको कापियों पे आंसर लिखो और फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर भेज दो। ठीक है, फिर हमारे इवेल्यूएटर देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो इस तरह से 1-1 नंबर के शुरू हो गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये है आपका, अब ये मत कहा करो कि आंसर भी दो इनके, हम आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ऐसा ही प्रश्न आना है। तो आप लोग क्या कर रहे हो सारे साल से, फिर बच्चों के कमेंट बॉक्स में उठा के देखो सर इनके आंसर भी दो हैं, आप क्या करेंगे फिर? क्या आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये देखिए, सभी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्टी लेवल समझना होता है। आपने ये सैम्पल क्वेश्चन अभी, आपने सब कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर हल करके देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ, ओके, बेस्ट विशेस तो बिजनेस स्टडीज़ के बच्चों को भी। तो आप बताइए, अब ठीक है, पता लग गया कितनी घबराहट हो रही थी, नहीं चला काम चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन से, सिलेबस से। अब पता लग गया कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, अब कर लो तैयारी। बेस्ट विशेस, अभी भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में भेज दो। देखो, आप जो भी कमेंट में करते हो, कहते हो, लिखते हो, वो मैं ज़रूर पूरा करता हूँ। हमारे प्रयास है कि हरियाणा के किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, एट ईज जाना है, घबराना नहीं है, कोई एंग्जाइटी की जरूरत नहीं है, हमें बताएं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, जो टिप्स दिए हैं आपको वीडियो में, ओएमआर शीट अच्छे से भरना, ठीक है, हाशिया देना, इन बातों का ध्यान रखना। तो 2020, 21, 22, 23 4 साल के क्वेश्चन पेपर हर विषय के आपको दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। शुभकामनाएं सभी बच्चों को, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।